सीतापुर के माहौली कस्बे में शनिवार की बंदी को लेकर श्रम निरीक्षक द्वारा व्यापारियों के साथ की गई नोकझोंक के बाबत व्यापार मंडल के पदाधिकारी सोमवार को SDM माहौली शशिभूषण राय से मिले। इस दौरान माहौली व्यापार मंडल के अध्यक्ष महेश गुप्ता दीपू के द्वारा व्यापारियों के हितों का ख्याल रखते हुए शासन के द्वारा कार्यवाही करवाने की बात कही गई। व्यापारियों की बात सुनने के बाद SDM शशिभूषण राय ने स्पष्ट किया है कि जिलाधिकारी का निर्देश सर्वोपरि है। शनिवार के दिन उनके द्वारा बंदी का निर्देश दिया गया है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। SDM के कड़े रुख को देखते हुए माहौली व्यापार मंडल के पदाधिकारी ने भी कहा कि व्यापारी वर्ग भी चाहता है कि शनिवार को बंदी रहे, लेकिन इसका असर सभी व्यापारियों पर दिखाई दे। पिछले शनिवार को बंदी को लेकर श्रम प्रवर्तक अधिकारी रहा विभाग का कर्मचारी जो भी आए थे, उन्होंने एक व्यापारी के साथ में मिसबिहेव किया था, जो व्यापार मंडल को कतई बर्दाश्त नहीं था। उसी संदर्भ में बात करनी थी। व्यापार मंडल सदैव शासन की नीतियों को पर विश्वास रखता है और उनका क्रियान्वयन करता है। आज क्या रहा, SDM ने आपको क्या आश्वासन दिया? SDM ने बताया है कि दो दिन के अंदर श्रम प्रवर्तक विभाग का जो भी कर्मचारी होगा वो आके आपसे मिलेगा और बात करवाएंगे। तो क्या शनिवार को आप लोग व्यापार अपना बंद रखेंगे? हाँ, अगर सभी व्यापारियों के साथ में एक जैसा नियम बनाया जाता है तो व्यापार मंडल पूरा सहयोग कर रहा है। श्रम विभाग के अधिकारी से बात हो जाएगी, उस बात होने के पश्चात जो भी निर्णय होगा उसको आपको भी अवगत कराया जाएगा और तत्पश्चात भी हम लोग वो कार्रवाई करेंगे। जो 365 दिनों का लाइसेंस की प्रक्रिया चल रही थी, इसको लेकर क्या स्थिति है? ये विभाग के अधिकारियों के साथ में बैठ के ही वार्ता होगी, यही भ्रम है। हेलो, कुल मिला के आप SDM की कार्यशैली से संतुष्ट हैं अथवा नहीं? देखिए, SDM ने जो SDM की कार्यशैली से मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ, क्योंकि उन्होंने तुरंत ही कहा कि एक से दो दिन के अंदर मैं उसको बुलाता हूँ। अगर उन्होंने अगर कोई इस तरीके से मिसबिहेव किया है तो उस पर निश्चित तौर पे उस पर बात की जाएगी और ऐसा गलत है।